हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड इवनिंग। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 के फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के बारे में बताते हैं। प्रत्यास्थता होता क्या है, इलास्टिसिटी होती क्या है। हमने जैसे एग्जांपल कोई गेंद है, उसको दोनों हथेलियों के बीच में दबा के अगर उसको हम दबा दें तो उसका रूप आकार बदल जाता है, और जब वो बल हम हटा लेते हैं तो वो गेंद जो होती है उसी अवस्था में आ जाती है। तो इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। तो आइए प्रत्यास्थता के बारे में जानकारी करते हैं। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता में सबसे पहले पढ़ना है विरूपक बल। ये विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल वह बल जो किसी वस्तु पर हम अगर हम लगा दें तो उस वस्तु का रूप आकार बदल दे, तो वो बल होता है विरूपक बल। वह बल जो किसी वस्तु का रूप या आकार बदल दे, रूप आकार को चेंज कर दे, तो वह बल कहलाता है विरूपक बल। तो प्रत्यास्थता होता क्या कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु का रूप और आकार बदल जाता है, और जब विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस घटना को या इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का रूप आकार बदल जाता है, और जब विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे कोई रबड़ है, मान लो एल लंबाई की रबड़ है, दृढ़ आधार से लटकी हुई है, इसमें हम बल लगाकर इसको हम लंबाई की दिशा में खींचें तो मान लिया इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई डेल्टा एल की। तो इस रबड़ को जब हम बल एफ से नीचे की ओर खींचेंगे तो इसकी लंबाई, इसका रूप आकार बदल जाएगा, और जब हम इस बल को हटा देते हैं अगर तो रबड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, कि जब किसी वस्तु में विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का रूप आकार बदल जाता है, और जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इसी में अप्रत्यास्थ वस्तु में क्या होती हैं, अप्रत्यास्थ वस्तु में और प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा दें तो वस्तु का रूप आकार बदल जाए, और जब विरूपक बल हटा ले तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। जिन वस्तुओं पर विरूपक बल के हटा लेने पर अगर वो वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं तो उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसी में अप्रत्यास्थ वस्तुएं, जिन वस्तुओं पर विरूपक बल के हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती, उन वस्तुओं को अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। अप्रत्यास्थ वस्तुएं या इसी को बोलते हैं पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं मोटे तौर पर एग्जांपल अगर दें तो जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी ये अप्रत्यास्थ है।
अगर इसमें बल लगाएं तो रूप आकार चेंज हो जाएगा, और जब बल को हटा देते हैं तो ये फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। तो ये अप्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं जैसे आपका क्वार्टज हो गया, फास्फर ब्रांज हो गया, फास्फर ब्रांज ये प्रत्यास्थ वस्तुएं इनको मानी गई। पूर्णतया जो प्रत्यास्थ वस्तुएं मानी गई हैं क्वार्टज और फास्फर ब्रांज को। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम बल लगा कर खींचते हैं तो उसकी रूप आकार बदल जाता है, हटा देते हैं बल तो फिर वैसे हो जाती है। रबड़ का एग्जांपल है, कोई रबड़ की गेंद है उसको हम दबा देते हैं तो रूप आकार बदल जाता है, हटा लेते हैं बल तो फिर वैसे हो जाती है। तो ये क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं जिन पर विरूपक बल के हटा लेने पर अगर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं, एक क्वार्टज और फास्फर ब्रांज। और जिन वस्तुओं के विरूपक बल के हटा लेने पर अगर वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती तो उनको अप्रत्यास्थ वस्तुएं या पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। एक और नाम इसका सुघट वस्तुएं भी बोला जाता है, सुघट वस्तुएं। ये प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं होती हैं, दृढ़ वस्तुएं जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाए तो उसका रूप और आकार में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कोई दीवार है, इसमें हम बल लगा रहे हैं, अगर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको हम दृढ़ मान सकते हैं कि ये कैसी वस्तु है, दृढ़ वस्तु है। अब हम किसी वस्तु में मान लेते हैं एल लंबाई की एक रबड़ है, बल लगाकर खींचते हैं तो बल, इसी को कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। आइए इसकी जानकारी लेते हैं, प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत कार्य करने वाले बल को ही प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल एक दाब है, दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। नाम है प्रतिबल, प्रत्येक पर बल अर्थात प्रत्येक पर जो दाब लग रहा है किसी वस्तु में वो बराबर कार्य कर रहा है। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। अब प्रतिबल जो होता है ये भी तीन प्रकार का होता है। प्रतिबल आपका तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल। सभी का फार्मूला एक ही है लेकिन अलग अलग जगहों में ये बल कार्य कर रहे हैं तो नाम अलग अलग हो गया है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता क्या है, लंबाई में वृद्धि। अगर किसी वस्तु में हम या ये रबड़ है इसमें बल लगाकर खींच रहे हैं, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही तो उसी को बोला जाता है अनुदैर्ध्य। तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। अभिलंब प्रतिबल बिल्कुल लंबवत बल लगे, स्पर्श रेखी जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श कर रही हूँ स्पर्श रेखी प्रतिबल हो जाता है क्योंकि दाब पड़ता है। किसी वस्तु में जब बल लगाते हैं तो लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात उस वस्तु में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उस वस्तु का रूप आकार बदल जाता है। तो ये विकृति क्या होती है, विकृति, विकृति। एल लंबाई की रबड़ है, बल लगाकर खींच रहे तो लंबाई में मान लेते हैं डेल्टा एल की वृद्धि होती है। तो जितनी वृद्धि हुई डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही विकृत कहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई में हुई वृद्धि
तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही विकृत कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अगर लंबाई का मात्रक मीटर और नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं होगी। तो ये होती है विकृति। विकृत भी तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आयतन विकृति, आयतन विकृति, तीसरी अपरूपण, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई डेल्टा एल बटे एल, आयतन विकृति डेल्टा वी बटे वी, अपरूपण विकृत अगर कोई कोण में विकृत हो रही थीटा तो उसे क्या कहते हैं, अपरूपण विकृत। तो इस प्रकार प्रतिबल, अगर किसी वस्तु में प्रतिबल बल लगा रहे तो विकृत जरूर होगी। तो प्रतिबल भी तीन प्रकार का, अनुदैर्ध्य अभिलंब और स्पर्शरेखी, और विकृत भी तीन प्रकार की, अनुदैर्ध्य विकृत और आयतन विकृत और अपरूपण विकृत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब प्रतिबल और विकृति, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक नियम दिया प्रतिबल और विकृत के अकॉर्डिंग, चलो उसको समझते हैं। हुक का नियम, हुक का नियम, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्रतिबल होता है वो हमेशा विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक ने बताया कि जो प्रतिबल होता है वो सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे, एल लंबाई की ये रबड़ है, बल लगा कर खींच रहे हैं हम, तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, डेल्टा है, तो विकृत ही तो उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिबल सदैव विकृत के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये हुक ने बताया। तो प्रतिबल प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, एक नितांग जोड़ेंगे ई इंटू विकृत। ई क्यों जोड़ा नितांग, क्योंकि इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता पड़ रहे हैं, तो ई बराबर आपका आ जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ई है क्या, जहां ई प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये हुक ने बताया कि प्रतिबल जो होता है सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी वस्तु में प्रतिबल लगाएंगे तो विकृत जरूर उत्पन्न होगी। जितना अधिक प्रतिबल लगाएंगे, जितना अधिक बल लगाकर खींचेंगे, उतनी ही विकृत होगी, उतनी ही लंबाई में वृद्धि होगी। प्रतिबल कम लगाएंगे तो विकृत भी कम होगी। तो ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ई क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। अगर प्रत्यास्थता गुणांक की डिफिनीशन पूछी जाए तो प्रतिबल और विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब जो प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी तीन प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक तीन पढ़ने हैं हमको, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई से डिनोट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल
और बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसी के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो वाई बराबर हम प्रतिबल क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृत क्या होती है डेल्टा एल बटे एल, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा एफ इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। एफ की जगह हम एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक होता है जो बी बराबर ये अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल डेल्टा पी, आयतन विकृति, आयतन में विकृत क्या होगी डेल्टा वी बटे वी, डेल्टा वी बटे वी माइनस का, ये हो गया अभिलंब प्रतिबल। माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि दाब डालते हैं तो आयतन घटता है, आयतन में कमी हो रही इसलिए माइनस आया है। तो अभिलंब प्रतिबल ये वही है बल बटे क्षेत्रफल, और आयतन विकृत के अनुपात को ही आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक अगर इसका उल्टा कर दें, संपीडता बीटा बराबर फार्मूला होता है वन अपान बी, ध्यान दें कि ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीडता कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, संपीडता कहते हैं। एक बचा आपका दृढ़ता गुणांक, इसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर होता है प्रतिबल यानी बल बटे क्षेत्रफल और बटे विकृत कोण में विकृत, अपरूपण अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को ही दृढ़ता गुणांक कहते हैं। थीटा गुणा यहाँ हो जाएगा तो आ जाएगा एफ बटे ए इंटू थीटा, ये सब सूत्र हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा लगते हैं इनसे। तो इस प्रकार हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत, अभिलंब प्रतिबल डेल्टा पी, आयतन विकृत डेल्टा वी बटे वी के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीडता कहते हैं। दृढ़ता गुणांक, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपक विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इस प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक हो जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे से आने वाले वीडियो आप तक मिलते जाएं।